लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म को आज पोसने का कार्य कर रहे हैं, वे भारत के अंदर रहते हैं, वे भारत के अंदर रह करके भारत के मूल्यों पर, भारत के आदर्शों पर, भारत के सिद्धांतों पर प्रहार करने में जब भी उन्हें मौका मिलता है कोई अवसर चूकते नहीं है। यह कालखंड में हुआ, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा हो। ईश्वर की वास्तविकता पर अविश्वास करना यह पहली बार नहीं हुआ, और बहुत बार लोगों को गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। ऋणी तो सब ने भी कहा था प्रहलाद अपने पुत्र प्रहलाद से कि तुम नारायण विष्णु की उपासना करते हो, नारायण नारायण की जाप करते हो, उनकी उपासना करना बंद कर दो, प्रार्थना करनी है तो मेरी प्रार्थना करो। और उसके बाद उन्होंने अपने स्वयं के पुत्र के खिलाफ साजिश रची, परिणाम सबके सामने। प्रहलाद का नाम आज भी हर भारतवासी बहुत बड़ी श्रद्धा के साथ लेते हैं। होली का पर्व ही उनके साथ जुड़ गया भारत का। हमने पर्व और त्योहारों के माध्यम से उन्हें मान्यता दी, लोक मान्यता के साथ उन्हें जोड़ दिया, लोक परंपरा के साथ उन्हें जोड़ दिया। कब नहीं हुआ है? ईश्वर की वास्तविकता पर प्रहार करने का प्रयास रावण ने भी किया था, परिणाम क्या हुआ? रावण अपनी बुद्धिमत्ता से भी हारा, रावण अपने ऐश्वर्य से भी नहीं परास्त हुआ। रावण त्रिलोक विजयी रखने की क्षमता रखता था, लेकिन रावण को उनके अहंकार ने समाप्त कर दिया, क्योंकि वह भी ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने लग गया था।